हेलो फ्रेंड्स, पहाड़ी रसोई में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप आगे भी मुझे इसी तरीके से अपना प्यार देते रहें। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन। मैं इसे बहुत ही ईजी तरीके से बनाने जा रही हूँ और ये बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है। अगर आप इसे एक बार खाएँगे तो बार बार आप आई एम श्योर कि इसी तरीके से बनाएंगे। तो आप एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट बता देती हूँ जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। मैंने मटन लिया है 750 ग्राम, प्याज 3 मीडियम साइज़ जिन्हें मैंने इस तरीके से कट करके रख लिया है, टमाटर 2 मीडियम साइज़, 12 से 15 कलियाँ लहसुन, अदरक 2 इंच जिसे मैंने इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में काट के रख लिया है, मस्टर्ड ऑयल 2 बड़े चम्मच, 3 बड़ी इलायची, 2 छोटे चम्मच साबुत धनिया, 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 इंच दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 4 से 5 दाने लौंग, हल्दी 2 छोटे चम्मच, साबुत जीरा 1 छोटा चम्मच, 10 से 15 दाने काली मिर्च साबुत, 3 छोटे चम्मच पिसा हुआ धनिया, नमक स्वादानुसार, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, तेजपत्ता 2 लाल मिर्च, जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच। आइए अब हम इसे बनाने की विधि शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने मटन को बनाने के लिए कुकर का इस्तेमाल किया है। मैंने तेल को इस तरीके से कुकर में डालकर गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले साबुत धनिया डाल रही हूँ, इसके साथ ही खड़े मसाले डाल रही हूँ, बड़ी इलायची, काली मिर्च, साबुत जीरा, दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग, तेजपत्ता, साबुत लाल मिर्च, ये सब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें कटा हुआ अदरक, लहसुन और कटा हुआ प्याज ऐड कर रही हूँ। इस सारी सामग्री को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने साबुत लहसुन का इस्तेमाल किया है। इससे फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। इसके साथ ही मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटरों को भी मैंने इस तरीके से 2 पीसेस में काट कर ऐड कर दिया है और साथ में मैं मटन डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ों को लगभग एक साथ ही डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, पिसा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ, जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, हल्दी ऐड कर रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। इस सारी सामग्री को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सारी सामग्री को मिक्स करने के बाद मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये बहुत ही इजी तरीका है और इससे टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। आप इसे एक बार घर पे ट्राई करके ज़रूर देखें। अब मैं इसे ढक्कन लगाकर कुक करूँगी और इसे 2 सीटियाँ लगवाऊँगी और उसके बाद मैं इसे चेक करूँगी कि ये रेडी हुआ है या नहीं। अब इसे 2 सीटियाँ हो चुकी हैं और मैंने 5 से 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रखा था। अब मैं इसकी स्टीम निकाल रही हूँ और मैं इसे चेक करूँगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मटन जो है कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। अब मैं इसे राड़ा लगाऊंगी। मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरीके से हिलाते हुए राड़ा लगाने वाली हूँ। मैं इसे मीडियम फ्लेम पे राड़ा लगाऊंगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसी तरीके से घुमाते हुए राड़ा लगाया है और अब ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। अगर आपको चपाती या नान या परांठे के साथ खाना है तो आप इसे ड्राई भी खा सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे चावलों के साथ यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे चावलों के साथ कंज्यूम करने वाली हूँ, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से घुमाते हुए फर्दर कुक करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।